How are you all? I hope you all will be fine. So welcome to the maths class. As I told you, I am going to welcome you in the maths class. So this is your maths class, and in maths we are going to start a new chapter, that is chapter 13. And the chapter name is Let's Make a Record. Before starting the chapter, I want to ask you some question. How do you come to school? मीन्स आप स्कूल कैसे आते हैं? तो यू विल से मैम हम वॉकिंग करके आते हैं, मीन्स हम पैदल आते हैं. सम स्टूडेंट्स विल से मैम हम बस से आते हैं. कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम वी आर रीच हेयर बाय द ऑटो. सम स्टूडेंट्स आर यूजिंग बाइसिकल्स. सो वी यूज डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द स्कूल. सो मीन्स सपोज करो कि टू स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय द बस एंड टू आर कमिंग फ्रॉम द साइकिल एंड फाइव आर कमिंग फ्रॉम वॉकिंग. सो दिस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. कि हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कितने बच्चे बस से आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स कार से आ रहे हैं, या फिर कितने स्टूडेंट्स वॉकिंग करके आ रहे हैं. सो जो भी हम ये मेनटेन करते हैं, हम जो नो करते हैं, हम जो जानते हैं, जिसको हम नोटिस करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड. क्या कहते हैं इसे हम? रिकॉर्ड. और रिकॉर्ड हमारा रिटर्न में भी होता है, और कुछ छोटे छोटे रिकॉर्ड जो हम ऑरली भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड. व्हाट इज रिकॉर्ड? और रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? सो रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा. रिकॉर्ड को आप क्या कहते हैं? डाटा भी कहते हैं. सो रिकॉर्ड मीन्स data in written form. Written form. मीन्स रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? कीप डाटा इन रिटन फॉर्म. मतलब हम लिख कर रखें कोई भी डाटा जो हमारे पास है, उसको हम रिटन फॉर्म में रखें. जैसे वेन यू कम टू द स्कूल, टीचर टेक योर अटेंडेंस. आपकी अटेंडेंस लेती है टीचर एवरी डे, शी टेक्स योर अटेंडेंस. सबसे पहले तो टोटल होता है कि देर आर 22 स्टूडेंट्स इन द क्लास और 26 स्टूडेंट्स इन द क्लास. आफ्टर दैट शी टेक्स योर अटेंडेंस, ताकि जब जिस दिन आप एबसेंट होते हैं, उनके पास रिकॉर्ड हो कि आज ये स्टूडेंट एबसेंट है. सो दैट इज ऑल्सो अ वे टू कीप अ रिकॉर्ड. नेक्स्ट, और हम कैसे कर सकते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि और हम रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव मेड अ रिकॉर्ड टेबल फॉर यू, बट वी विल मेंटेन हियर रिकॉर्ड. सो जस्ट स्टार्ट. आई हैव मेड टेबल पेंसिल कलर्स. ठीक है, यहाँ पर पेंसिल है, जो कलरफुल पेंसिल्स हैं, एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स, और कौन से कलर की कितनी पेंसिल्स हैं हमारे पास, वी विल नो. सो फर्स्ट आई हैव टेकन रेड कलर पेंसिल. कौन से कलर की पेंसिल ली है? रेड कलर की. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक रेड कलर पेंसिल? सो वी कैन राइट बाय गेसिंग. सो आई एम राइटिंग हियर 16. सपोज करो 16 स्टूडेंट्स लाइक रेड कलर पेंसिल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रीन. सो आई एम टेकिंग ऑल्सो हियर ग्रीन. सो फाइव स्टूडेंट्स लाइक ग्रीन कलर पेंसिल. ओके, सो फाइव के पास क्या है? ग्रीन कलर की पेंसिल है. एंड वी हैव ऑल्सो अ पेंसिल दैट इज ब्लैक इन कलर. सो आई एम राइटिंग हियर 7. वी हैव 7 पेंसिल्स ऑफ ब्लैक कलर. सो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड हो गया है. रेड कलर 16, ग्रीन कलर 5 पेंसिल, एंड ब्लैक कलर 7 पेंसिल्स. ये रिकॉर्ड है हमारे पास. सो इसी रिकॉर्ड को देखकर वी विल गोइंग टू फ्रेम अ क्वेश्चंस विच वी हैव टू आंसर यूजिंग दिस टेबल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रीन पेंसिल
आपको बताना है कि ग्रीन कलर की कितनी पेंसिल्स है. सो वी हैव रिकॉर्ड, हमारे पास सम रिकॉर्ड है. सो वी कैन चेक फ्रॉम द टेबल एंड वी विल राइट हियर. सो वी हैव 5 ग्रीन कलर पेंसिल्स. नेक्स्ट हाउ मैनी रेड कलर्स पेंसिल्स आर देयर. सो हाउ मेनी रेड कलर्स पेंसिल्स वी हैव. So we'll check table and we will write answer. So we have 16 red color pencils are here. Next is how many black pencils are here. So how many black pencils we have? We have 7 black pencils because we are checking the record from the table. Jo table mein diya hai, we are using only that. So we will write here 7 black pencils. So we have given some questions answer by using this record table. Now we will do next question. How many green and black pencils are together? अगर आप green और black pencils को together करते हैं, means उनको इकट्ठा रखते हैं, तो how many pencils you have? मतलब दोनों को, दो को मिलाना हमें, किस किस को? हमें green और black दोनों को काउंट करना है. इट मीन्स वी हैव टू एड देम. आपको पता है जब टुगेदर होता है तो टुगेदर मीन्स वी हैव टू पुट द थिंग्स टुगेदर, और उनको साथ में रखने का मतलब है हम उनको प्लस कर रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, आप 7 and 5 को क्या कर लेंगे, प्लस, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे सिर्फ ग्रीन और ब्लैक पेंसिल को पूछा गया टुगेदर. सो वी विल एड देम, 5 + 7 वी विल गेट हेयर 12. So there are 12. If we keep them together, so they will become 12. Now next question. We can make lots of questions on the data handling, but we are doing only this table. So I am going to ask regarding only this table question answer. So our next question would be, which color pencil is least in number? Least in number. Which color pencil is लीस्ट इन नंबर? लीस्ट मीन्स सबसे कम. आपको बताना है कि कौन से कलर की पेंसिल सबसे कम है. सो वी विल ऑब्जर्व द टेबल. वी हैव रेड 16, ग्रीन 5 एंड ब्लैक 7. तो विच इज द लीस्ट नंबर? द लीस्ट पेंसिल्स आर ग्रीन. सो वी विल राइट हियर ग्रीन. Answer is green. The next question is, which color pencil is most in number? कौन से कलर की पेंसिल मोस्ट है? मोस्ट में सबसे ज्यादा है. सो यू विल ऑब्जर्व टेबल एंड यू विल आंसर टू मी.
दैट इज वी विल ऑब्जर्व वी हैव थ्री कलर पेंसिल रेड ग्रीन एंड ब्लैक एज वी कैन सी इन द टेबल रेड इज अ मोस्ट इन द नंबर मतलब रेड कलर की पेंसिल सबसे ज्यादा तो वी विल राइट हियर रेड सो विच कलर पेंसिल इज मोस्ट इन नंबर दैट इज रेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी pencils are together how many pencils are together abhi maine aapko together ka meaning bhi bataya tha what do you mean by together together means ikhatta rakhna sabko so aapse pucha hai how many pencils are together agar aap sabhi pencils ko ek saath rakh dete hain तो आपके पास कितनी पेंसिल्स होंगी सो वी विल एड ऑल द नंबर्स सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे एड कर लेंगे सो 16 प्लस 5 इट विल बी 21 एंड 21 प्लस 7 इट विल बिकम 28 सो आवर आंसर इज 28 So these were some question which is based on that table which we have done here. So this is called record. अभी हमने जैसे सीखा कि हमने सिर्फ एक pencils का छोटा सा example लिया और उसी example को लेके हमने अपने पूरे जो हमारा record है उसको complete किया. So we have done today making of record और आज के लिए इतना ही. Thank you class.